योग किसे कहते हैं, आज आपके लिए ये योग साधना है जिसमें ये छोटी सी बच्ची ने जिस तरह की क्रिया की है, क्या आप कर पाएंगे? Bend your elbows. Look up, look up. Very good. चलो धीरे सर से दौड़ो, होल्ड करो, चलो आप करते रहिए वज्रासन में। दृश्यों में आपने देखा किस तरह से ये छोटी सी बच्ची जो है अपने शरीर की क्रियाएं कर रही है। क्या नाम है आपका? उमा बोगिया। आप रोबो तो नहीं हो? नहीं। पक्का? इतने फ्लेक्सिबल कैसे हो? योगा करते हैं। कितनी देर हुई योगा करते हैं? 7 मंथ्स। झूठ बोल रहे हो, 7 मंथ्स में ऐसा हो सकता है? हाँ। किस तरह से पॉसिबल हुआ? पता नहीं। मजा आता है करने का योग? बहुत। कैसे पता चला आपको कि योग करना चाहिए, किसने बताया और इन टीचर के पास कैसे पहुंचे आप? मेरे भैया को डायबिटीज हुई थी तो फिर मेरे पेरेंट्स ने योगा शुरू किया, फिर मैं गुरुजी से योगा सीखा। क्या बात है, देखिए छोटी सी बच्ची इस बात को समझ चुकी है और कितनी फ्लेक्सिबल ये हो चुकी है। महज 7 महीने की प्रैक्टिस और नतीजे जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार जो है वो ज़रूर दीजिए। 21 तारीख यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। आखिर योगा है क्या, योग से क्या कुछ हो सकता है? लोग आज भारी भरकम बिल जो है अस्पतालों में दे सकते हैं, मगर कुछ घंटों की मेहनत, कुछ मिनटों की मेहनत आपको इन बीमारियों से दूर रख सकती है। सर जानना चाहेंगे, आज यहाँ छोटे छोटे बच्चों को देखा हम हैरान हो गए कि किस तरह की क्रियाएँ ये कर रहे हैं, आखिर योग है क्या? नमस्कार सभी को, मेरा नाम गौतम है और मैं एक योगा टीचर हूँ। योग जीवन जीने का तरीका है, योग जीवन है और जीवन का आधार भी है। ये बच्चे जो हैं ये एक साधना में है जिससे इनका जीवन का निर्माण हो रहा है। आज आप देख लीजिए कि हर मानव अपने इस प्रतिस्पर्धा में है, कम्पिटिटिव वर्ल्ड में है, जिसका उसकी वजह से उसके शरीर के तल पर और मन के तल पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। तो योग एक ऐसी कला है जिससे वो अपने पर्सनैलिटी को एक एक्सपेंशन दे सकते हैं और अपने जीवन में जो भी कार्य करना चाहें उसमें आगे बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ योग में बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि एक आप इस शैली को अपनाएं, क्योंकि योग भारत का ज्ञान है, विज्ञान है, शरीर से है संबंधित, मन से है और आत्मा का परमात्मा से मिलन भी है। और इस योग दिवस पे का विषय है सेल्फ एंड सोसाइटी के लिए योग, और इसमें आप अपनी चेतना को बढ़ाकर अपने स्वस्थ जीवन को लाकर समाज का और अपना कल्याण कर सकते हैं। सबको शुभकामनाएं, योग करते रहिए। हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम है रिया गुप्ता। रिया जी कब से योग कर रही हैं? मेरे को 10-15 साल हो गए हैं योग में। 10-15 साल? उम्र कितनी है आपकी? 27 ईयर्स। मैं 6th क्लास से मैंने योगा स्टार्ट किया था, तो योग में अब मैंने MA भी कम्प्लीट कर ली है और नेट भी क्वालिफाई कर लिया है। बट मैं कहना चाहूँगी कि ये डिग्रियों से भी काफ़ी ऊपर है, इससे हम शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल लेवल पे भी हमारी ग्रोथ होती है। तो हर किसी को अपनी लाइफ में चाहे आधा घंटा या एक घंटा योग ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। आपने देखा होगा आजकल लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो एक गलत डायरेक्शन है। अगर वो योग में आएंगे तो वो इन सब चीज़ों से हट जाएंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। आपका नाम? नीलम। नीलम जी कब से योग कर रहे हैं? मैं तो काफ़ी देर से कर रही हूँ, कोई 10-15 सालों से कर रही हूँ, मगर साहिल मेरे को मिले, यहाँ मांडा में ही मैं आती हूँ घूमने मॉर्निंग वॉक के लिए, तो अब इनके योग से मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, इनके योग काफ़ी अच्छे हैं। कितना फ़र्क पड़ चुका है आपको, या फिर क्या लगता था कि इनके जो योग थे ना, मैं लगता था मैं कर नहीं पाऊँगी, मगर इनकी मेहनत मैं कर पाती हूँ, काफ़ी हद तक मैं ठीक हूँ, अच्छा चल लेती हूँ। मेरे को लगता है ये भी तारीफ करते हैं मेरी। ये हमारे जम्मू में शिवा करके, जो कि इन्होंने आज इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया,
इनकी भी पहल रहती है कि अपने जम्मू को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ा जाए। तो ये बलजीत जी हैं और ये सिद्धार्थ जी हैं। बलजीत जी हर बार लोगों के लिए आगे रहते हैं, लोगों की सेवा के लिए आगे रहते हैं, चाहे वो कोई मेडिकल कैंप हो या फिर योगा का आसन हो, कुछ भी हो, आप हर पल आगे रहते हैं। पहले तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। योगा को लेके क्या कहेंगे? तो मैं जेके चैनल और मोहिंदर जी और रघु जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करूँगा। मोहिंदर जी, पहले एक छोटी सी बात बोलूँगा मैं आपको कि आपका बड़ा धन्यवाद है कि आप इस चीज़ को एक आजकल जो यंगस्टर है उसके आगे सामने लेके आते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते हैं। योगा, योग एक ऐसी चीज़ है कि देखो आजकल हर इंसान कुछ ना बीमारी में एक जूझ रहा है, तो योग एक ऐसी चीज़ है उसको हम पूरी तरह निकाल नहीं सकते, बट आहिस्ता 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 इसको हम निकाल सकते हैं। मेडिसिन से ही टोटली इसको हम छुटकारा करके एक अच्छी एक स्वस्थ बंदा इंसान रह सकता है। आज हमने प्रेस क्लब में अपने मीडिया फर्टिनिटी और उनकी ना सभी के लिए योग करवाया था आज प्रेस क्लब में सिबा इवेंट द्वारा। सबसे पहले तो जेके चैनल का धन्यवाद और जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सिबा इवेंट्स की तरफ से उनका सबका धन्यवाद। मेरा नाम सिद्धार्थ है और सिबा इवेंट्स में हमारी भी यही कोशिश रहती है कुछ नया कार्यक्रम या कुछ नए ढंग से लोगों के सामने जागरूकता लाई जाए। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम था आओ करें योग रहे निरोग, अगर हम उसको अभ्यास करें योग को तो हम थोड़ा सा नींद लेने के बाद भी सुफूर्ति से काम कर सकते हैं, इसमें इतनी पावर है योगा में। और साहिल जी से जब हमारी इंटरेक्शन हुई और हमें पता चला कि हम किस हद तक अपने बॉडी को किस लेवल तक लेके जा सकते हैं ताकि बीमारियां तो पीछे ही रह जाएं, हम ये नहीं कहते कि एक दिन के प्रयास में ही हम मास्टर हो जाएंगे इस चीज़ का। हाँ, हमें इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। अगर हम 1% भी इसको आगे लेके चलेंगे यंग जनरेशन तो हमसे इंस्पायर होगी होगी, साथ में हम बीमारियों से छुटकारा पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहेंगे? वीना शर्मा। वीना जी, कितनी एज है आपकी? 60। आपने तो खुद को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया, कैसे कितना इस एज में खुद को इतना फ्लेक्सिबल कैसे बनाया? जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम मेजर ऑफिस अभी, लेकिन मैं स्टिल आई एम वर्किंग। मैं फिर वहाँ सीनियर कंसल्टेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर फिर से काम कर रही हूँ। बट योगत्वम मुझे लगता है योगमय। योग क्या है? योग एक साधना है, योग एक तप है, तपस्या है, निरोगता है, और इससे भी बड़ी बात योग पॉजिटिविटी है। मैं योग 2000 से कर रही थी जब मेरा छोटा बेबी आया था, तो मेरे को कुछ फील होता था कि बॉडी जिसे सो रही है आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी, तो मैंने वो घर में शुरू किया। मैं करती रही वीडियोस देखती रही, बट यहाँ कुछ 9 फरवरी को मैंने मांडा ज्वाइन किया था। मांडा मैंने आना स्टार्ट किया वॉक के लिए, 2 घंटे का वॉक। फिर मुझे पता चला साहिल जी का, तो एक मेरे हस्बैंड कहते हैं कि साहिल जी वहाँ आते हैं, अब योग यहाँ करते हैं वहाँ भी करिए। तो मुझे इतनी चेंज मिली कि एक गुरु का होना योग के लिए बहुत आवश्यक है। मैंने करा, प्रैक्टिस भी करी, बट मुझे ये समझ नहीं आती थी सांस लेनी कब है और सांस छोड़नी कब है। नो डाउट मैं आसन कर रही थी, मेरे को आसन का महत्व पता नहीं था। गौतम जी हैं, इन्होंने मुझे बताया, जैसे अभी बोल रहे थे शीर्ष पाद आसन, तो किसको क्या बोलते हैं और उसका महत्व क्या है। इससे भी बड़ी बात जो ये सिखाते हैं, मैं वैसे भी डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड लेती हूँ, ये फास्ट फूड वगैरह मेरे को उतना लेना पसंद नहीं, लेकिन इसका महत्व भी मुझे साहिल जी ने बताया। ये रोज़ बताते हैं मॉर्निंग आपको क्या खाना है, योग तो करना है, योग के साथ साथ और क्या क्या करना है। आती हूँ कि मेरे साथ साथ और भी सब लोग आए, इवन मैं अपने ऑफिस में सब लोगों को बोल रही थी, खाली ये नहीं है कि योग करो, मैं कहती हूँ योग के साथ साथ अपनी डाइट को ठीक करो। मतलब मैं नहीं कहती, साहिल कहती, और मैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। योग क्यों ज़रूरी है आज हमारी कोशिश, और जितना हो सके योग से जुड़े, अगर बीमारियों से दूर रहना है, मेडिसिन से दूर रहना है और ख़ुद को स्वस्थ रखना है। जिम्मेवारी आप लोगों की, आपके परिवार की है, तो खुद को तंदुरुस्त रख पाएंगे तभी अपने परिजनों को तंदुरुस्त रख पाएंगे। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।